गुड मॉर्निंग माई नेम इज़ नीलम और आज हम बात करेंगे डायलिसट के बारे में डायलिसट क्या है क्यों यूज करते हैं हम डायलिसिस में इसका पर्पस क्या है डायलिसिस में सो डायट इज़ ऑल्सो नोन एज डायलिसिस सोल्यूशन सो विदाउट डायलिसट हम डायलिसिस तो कर नहीं सकते सबको पता है सो so, डायस का इम्पोर्टेंट क्या है सो डायलिसट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायलिसिस फ्लूड डायलिसिस सोल्यूशन और ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है पार्ट ए पार्ट बी एंड आर वाटर सो पार्ट ए क्या है पार्ट ए एसिड कंसनट्रेट पार्ट बी सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सोल्यूशन एंड आर ओ वाटर सो इन तीनों से मिलके हमारा डायलासेट बनता है सो so, uh, डायट का पर्पस क्या है क्यों हम डायलिसिस में डायलासेट यूज करते हैं सो मेन जो प्रिंसिपल है डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न uh, को करवाने के लिए या जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हैं एसिड बेस बैलेंस है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम डायलासेट का यूज़ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि डायलासेट एक ऐसा सोल्यूशन है जो डायलिसिस में डिफ्यूजन प्रोसेस को करवाने के लिए यूज किया जाता है बिकॉज़ अगर आपको डिफ्यूजन प्रोसेस करवाना है सो तो हमें डायलासेट वहाँ पर यूज होता है क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं एसिड-बेस बैलेंस करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं बिकॉज आपको पता है कि डायलिसिस करने के लिए हमें कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए जो कि हम डायलासेट से बनाते हैं सो so, डायलासेट हमारा जो बिल्कुल एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका जो आयोनिक कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ही जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होता है जैसे हमारे ब्लड में ब्लड के प्लाज्मा में हमारे लाइक सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हम डायलासेट में भी रखते हैं एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा या आर्टिफिशियल ब्लड हम अपने बोल सकते हैं जो कि हमें डायलिसिस में नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव कर सकें थ्रू डायलासेट सो uh, नॉर्मली so, uh, अगर हम बात करें कि uh, uh, डायलिसड फ्लूड आपको पहले मैंने आप इस पीपीटी में देख लीजिए तीन चीज़ों से मिल बना हुआ है पार्ट ए जिसको हम एसिड कंसनट्रेट बोलते हैं पार्ट बी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट कंसनट्रेशन और आर ओ वटर सो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए आपने अपनी डायलिसिस मशीन में तीन दो कैन देखते हैं और कभी कभी पार्ट बी का आप एक पैकेट देखते हैं सो पार्ट ए में हमारे ऑल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड ग्लूकोज ये सब कुछ उसमें हमारा पार्ट ए में होता है पार्ट बी का एक केन होता है अगर आप इसमें देख सकते हैं ये सो uh, so, um, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो एज अ बफर डायलिसिस में यूज़ किया जाता है सो so, डायलासेट का नॉर्मली अगर हम बात करें कि डायलासेट कितने टाइप का होता है सो देर आर टू टाइप ऑफ डायलासेट एंड बाइकार्बोनेट बाईकार करंटली वी आर यूजिंग बाई कार्बोनेट पहले हम एसिटेट डायलासेट यूज करते थे लेकिन अभी हम बाइकार्बोनेट डायलासेट में यूज कर रहे हैं सो एसिटेड डायलासेट में सिर्फ हमारा ए पार्ट होता था और हमारा आर ओ वाटर हम यूज करते थे अभी हम बाइकार्बोनेट डायलासेट यूज करते हैं जिसमें कि हमारा ए पार्ट बी पार्ट और आर ओ वाटर तीन चीज़ों से मिलके बना है और जो एसिडेड डायलासेट था वो दो चीज़ों से मिलके बना रहता था एक ए पार्ट और आ, हमारा आर ओ वाटर सो ए पार्ट में ही हम एसिटेट मिलाते थे जो कि एज अ एक बफर की तरह यूज किया जाता था और उसको लीवर चेंज करता था हमारा जब आ, सपोज ए पार्ट में हमारा एसिटेड है वो जब डायलिसिस होगी पेशेंट की वो हमारा डायलासेट से हमारे ब्लड में डिफ्यूज होगा और ब्लड में से फिर हमारा लीवर उसको चेंज करेगा किसमें हमारा फिर बायोकार्बोनेट में चेंज होगा सो so, ये एक लंबा प्रोसेस है जिस जिसके कारण हमारा क्या होता था कि आ, वहाँ पर जो एसिटेड है एज अ बफर लास्ट में उसको चेंज बायकार्बोनेट में ही होता था लेकिन कभी कभी इम्पियर्ड होने के कारण हमारे ऑर्गन या जो एसिटेड है उसके एक और अच्छी प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा वैसो डायलिटर होने के कारण पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होते थे उस समय तो जिसके कारण हमने जो पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग और इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन होने लगते थे तो अभी हम क्या यूज करते हैं बायकार्बोनेट यूज करते हैं सो so, आप यहाँ पर आ, दे सकते हैं कि एसिडेड डायलिसड के हमारे एडवांटेज हैं कि स्टेबल ड्यूरिंग डायलिसिस में या पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं आ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि बहुत टाइम लगता था बायकार्बोड्रेट में चेंज होने में जिसके कारण पेशेंट को नोजिया वामिटिंग और इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि एसिडेट का बफ एज अ बफर तो काम करता है लेकिन इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि एक वेसोडायलिटर है जिसके कारण पेशेंट को हाइपोटेंशन नोजिया वॉमिटिंग फटीक इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते थे जिसके कारण ये बंद कर दिया गया सो so, अभी हम यूज करते हैं बाइकार्बोनेट कार्बोनेट जैसे कि आप पीपीटी में देख सकते हैं सो so, बाई कार्बोनेट डायलिसड हम तीन चीज़ों से इसको बाइकार्बोनेट डायलिसिस भी आप बोल सकते हैं सो so, तीन चीज़ों से ए एसिड कंसनट्रेट बी और प्योरीफाइड वाटर ए में आपको पता है ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स हो होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम एंड समटाइम ग्लूकोज एंड पार्ट जो बी है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सो so, वो हमारा एक बफर है सोडियम बायोकार्बोनेट आपको पता ही होगा दैट इज कार्बोनेट राइट सो एक सोडा जिसको हम बोलते हैं तो ये हमारा एक एज अ बफर काम करता है डायलिसिस में जो कि एसिड बेस बैलेंस करता है सो so, अगर आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि बायोकार्बोनेट डायलिसिट में पार्ट ए में क्या क्या सोल्यूशन है और पार्ट बी में क्या क्या सोल्यूशन uh, में क्या क्या कंटेन हैं क्या क्या uh, हमारे सोल्यूट हैं सो आप सोडियम पार्ट ए सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम एसिटिक एसिड डेक्सट्रोज एंड प्योरीफाइड वाटर राइट सो प्योरीफाइड वाटर सो सोडियम की अगर हम बात करें सोडियम hmm, की अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड एसिटिक एसिड सो इसमें जो एसिटिक एसिड है ए पार्ट में उसका काम क्या है एसिटिक एसिड का सो एसिटिक एसिड हमारे जो नॉर्मली हमारे एसिटिक एसिड के यहाँ पर दो काम होते हैं एक तो ये बी पार्ट जो सोडियम बायकार्बोनेट के साथ जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेशन होने से रोकता है चूना बन जाता है अगर आ, सोडियम बाय कार्बोनेट के साथ अगर हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा तो उसकी जो क्रिया है उसका जो आ, हमारा केमिकल आ, से जो हमारा कार्बोनेट बनता है उसको रोकने उसको रिएक्शन को रोकता है दूसरा है वही प्रेसिपिटेशन बन जाएगा तो प्रेसिपिटेशन को रोकेगा दूसरा ये बैक्टीरिया ग्रोथ को भी रोकता है एंड सो so आप देख सकते हैं इसमें बी पार्ट में हमारा क्लोराइड है सोडियम है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट है सो so, uh, ये बी पार्ट का कंटेंट है आप इस वाले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो ये स्लाइड आपको देखने को मिल रही है पार्ट ए का कंसनट्रेशन इसमें जैसे सोडियम है एट्टी टू नाइन्टी है पोटेशियम है जीरो टू फोर नॉर्मली टू हम इसमें रखते हैं कैल्शियम हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा एंड एच सी ओ थ्री सो आपको पार्ट ए में कौन कौन से हमारे सल्यूट हैं उनका uh, क्या वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसेंट्रेट पार्ट बी लाइक सोडियम हमारा फोर्टी टू फिफ्टी मिलीक्ट रहता है पार्ट बी के हमारे सोल्यूशन में एंड क्लोराइड एंड बायकार्बोनेट 30 से 40 हम डायलिसिस में रखते हैं टोटल अगर इनका एक डायलिसड कंपोजिशन बनता है तो सो सोडियम हाँ हमारा 130 से यहाँ पर 130 होना चाहिए 130 से वन फोर्टी फाइव मिलिक्यूबलेंट पर लीटर एंड पोटेशियम जीरो टू फोर आप टू मिली इक्विवेलेंट आप इस यहाँ पर बोल सकते हैं कैल्शियम टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट फाइव आप क्लोराइड यहाँ पर नाइन्टी एट से वन ट्वेंटी फोर मिली क्यूबलेंट एंड एच सी फोर्टी तक नॉर्मली आप सभी को पता है कि डायलिसिस में हमारा हम कितना um, uh, बाइकार्बोनेट <coughs> हम कंसंट्रेशन या वैल्यू रखते हैं तो फोर्टी तक हमारे बॉडी में कितना रहता है थर्टी या ट्वेंटी नाइन मिली इक्विबलेंट हमारी ब्लड में बाइकार्बोनेट होता है डायलासेट में हम उसको थोड़ा सा हायर साइड में रखते हैं ताकि वो ब्लड की ओर डिफ्यूज़ हो सके राइट right? सो so ये हमारा एक आप कंपोजिशन है डायलासेट का टोटल एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे एक स्टैंडर्ड रेशियो क्या है सो so आपने Uh, जो हमारी फ्रेजनेस की मशीन है या uh, अदर जो जितनी मशीन है एक डायलासेट का स्टैंडर्म रेशियो हम थर्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री राइट सो नॉर्मली कितना इनमें अगर हम ए पार्ट बी पार्ट और आर ओ वोटर तो डायलासेट में एक रेशियो क्या है कौन सा ए पार्ट से कितना एक मिनट में लेती है बी पार्ट से कितना लेती है तो अगर हम बात करें ए पार्ट में वन एम एल वन पॉइंट एट थ्री और थर्टी फोर इन तीनों का एक रेशियो होता है थर्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री इस हिसाब से अगर हम एसीटेट की बात करें एसिटेट uh, डायलासेट की uh, बात करें तो ए uh, पार्ट से वन एम एल टू एंड आर ओ वाटर अब मैंने बताया एसिटेट दो चीज़ों से मिल बना है ए पार्ट एंड आर ओ वाटर सो वन एम एल ए पार्ट लिया जाता था, था और थर्टी फोर तो इसका जो स्टाइल uh, है लाइक फ्रेजनस सो थर्टी फाइव तो एक रेशियो होता था थर्टी फाइव बट अभी हम कितना रेशियो लेते हैं बाई कार्बोनेट में थर्टी सिक्स पॉइंट एट थ्री रेशियो लेते हैं सो दैट इज़ ए बायकार्बोनेट सो नॉर्मली यहाँ पर एक चीज़ कहने को मतलब रहता है कि वट इज़ डायलेसेट? डायलेसेट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका आयोनिक कंसनट्रेशन उसके अंदर जो आयंस होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के आयोनिक कंसनट्रेशन के इक्वल होता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट पोटेशियम एंड ग्लूकोज क्योंकि पोटेशियम हमारा नॉर्मली ब्लड में रहता है वन थर्टी ब्लड में रहता है थ्री पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट जीरो मिलिक इक्विबलेंट और हम डायलासेट में कितना रखते हैं टू डायलासेट में हम कम रखते हैं क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट है ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ा रहता है हाइपर कैलिमिक में रहता है पेशेंट सो so, जिससे कि हमारा जो पोटेशियम है ऑलरेडी डायलासेट में कम है और उसका डिफ्यूजन बहुत नॉर्मली हाई ब्लड से डायलासेट की हो रहा है राइट right? और पेशेंट को ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोग्लाइसीमिया ना हो नॉर्मली सो so, इससे हम थोड़ा सा ग्लूकोज भी हायर साइड में रखते हैं राइट और सोडियम पोटेशियम लाइक हमारे ब्लड में जितना सोडियम होता है उतना ही हम डायलिसट में रखते हैं सो ड्यूरिंग डायलिसिस जो भी चीज़ जहाँ कम होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाँ, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है इसी को हम हाँ डिफ्यूज़न करते हैं तो डायलिसड बनाने का एक मेन पर्पज़ यही है कि हमने जो ब्लड प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट के उसी हिसाब से हमने एक और सॉल्यूशन तैयार किया जिसको डायलिसट कहते हैं जिससे कि एक नेचुरल वे में हमारा लाइक हमारे बॉडी में भी डिफ्यूजन हो रहा है तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक कंसन एक अलग एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसको डायलेसट बोलते हैं जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं या जो हमारे सोल्यूट हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह राइट right. सो so, इसी यही हमारा पर्पज़ है डायलासेट राइट right. तो so, डायलासेट में एक कंडक्टिविटी क्या होती है एंड हमारे ये जो केमिकल एनालिसिस या ये कितना थर्टी सोडियम को हम थर्टी 134 वन थर्टी फोर से वन फोर्टी फाइव ही क्यों रखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पीपीटी में इसको मेंटेन करेंगे हाइपोनाइट्रीमिया क्या है हाइपोकैल्सीमिया क्या है कैसे हम डायलिसट से इसको कंप्लीट कर सकते हैं राइट right. सो so, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पीपीटी में आई श्योर इसको कंप्लीट करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो थैंक यू